गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्ताम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका ऑफिशियल सोफ्तामों की यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे वीडियो बनाए थे जहाँ पे कई लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा था, तो उसके लिए आज थोड़ा यहाँ पे हम लोग इसका क्लेरिफिकेशन भी करके दे रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली जो बनाया हुआ है हमने, तमिलनाडु के जो 2019 का कट ऑफ है उसके बारे में, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कट ऑफ क्या रहा था 2019 के अंदर। ये वीडियो देखने से पहले सभी दोस्तों को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियो का भी इससे आपको बेनिफिट हो पाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो बेसिकली ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के अंदर तीन स्लाइड्स के अंदर जो फर्स्ट स्लाइड रहता है उसके अंदर यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसा दिखता है, दूसरा उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है और उसका नाम क्या है। ये तीन चीज़ों को हम लोग उल्लेख करके दे रहे हैं। वहाँ दूसरा एक चीज़ रहता है कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वहाँ पर हमने मैंशन किया हुआ है। डीम्ड और प्राइवेट का मीनिंग क्या रहता है? प्राइवेट बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर रहता है, गवर्नमेंट के थ्रू उसका प्रोसेस होता है पूरा, और डीम्ड यूनिवर्सिटी को खुद को भी अथॉरिटी रहता है, तो ये दोनों में इतना डिफरेंट रहता है। और उसके बाद जो सेकंड स्लाइड आती है, सेकंड स्लाइड के अंदर हम लोग जो चीज़ें दे रहे हैं वो अहम चीज़ है। देखने जाए तो तीन ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे, लेफ्ट साइड का जो एक ब्लॉक रहेगा या राइट साइड का एक कॉमन ब्लॉक रहेगा, वहाँ पे MBBS की कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा PG का कितना सीट्स अवेलेबल है, PG का सीट्स का रीज़न क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितना PG का और SS का सीट ज़्यादा रहेगा उतना आपको वहाँ पे एक्सपोजर का चांस बढ़ जाता है, दूसरा वहाँ पे पेशेंट का फ्लो भी बढ़ेगा, बेड कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी, मीन्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा, जो कि MBBS का प्राइमरी रिक्वायरमेंट रहता है। सेकेंड फेज की बात करेंगे तो वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का उल्लेख किया हुआ है हमने कि फीस उसकी क्या क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीस होती है। फॉर एग्जाम्पल NRI की अलग फीस रहती है, मैनेजमेंट कोटा की अलग रहती है, स्टेट कोटा की अलग रहती है और गवर्नमेंट की फीस अलग रहती है, तो वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो कट ऑफ दिया हुआ है। कट ऑफ के अंदर हम लोग ने हर एक चीज़ मेंशन की हुई है कि मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ कितना रहा था, स्टेट कोटा का कितना कट ऑफ था, माइनॉरिटी का कितना था, NRI का कितना था, वो कट ऑफ वहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। और अगर लास्ट में एक स्लाइड है वहाँ पे आप देखेंगे तो उसका एक्रेडिटेशन पार्ट है। तो इंडिया के अंदर भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो तो एक्रेडिटेशन पार्ट देखना ज़रूरी है। एक्रेडिटेशन में तीन एक्रेडिटेशन को हम लोग वैल्यू देते हैं। एक तो पहला आता है MCA का, जो कि नॉर्मल इंडिया की हर एक यूनिवर्सिटी MCA अप्रूव्ड है। दूसरा एक्रेडिटेशन आता है वो आता है WHO का, जो होना ज़रूरी आवश्यक है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको दूसरी कोई कंट्री में जाकर प्रैक्टिस करना हो तो उस टाइम पर WHO का मान्यता होना ज़रूरी है। और लास्ट जो आता है वो ECFMG है, जो कि आपको US में UK में पढ़ाई करने जाना है तो ECFMG का और EPIC का वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड रहता है, उसके बिना आप वहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो उसके लिए वहाँ पे एक्रेडिटेशन पार्ट ऐड किया हुआ है। तो यही हर एक चीज़, हर एक स्टेट वाइज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक हमने जो जो स्टेट का बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमने कर्नाटक का बना दिया, हर एक स्टेट की जो लिंक है वो हमने नीचे मेंशन की हुई है। कर्नाटक का कट ऑफ का दो वीडियोज था, Part 1 Part 2, वैसे ही ओडिशा का और पौंडीचेरी का एक कॉमन वीडियो था, उसके बाद जो केरला का एक वीडियो था, अभी ये तमिलनाडु का हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो भी दो पार्ट में अवेलेबल रहेगा।